नमस्कार साथियों, UPPSC डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। UPPSC जो PCS का एग्ज़ाम 2020 में हुआ था ऑप्शनल, वो सारे पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं। इस सीरीज़ में सोशियोलॉजी का पेपर वन और पेपर टू अपलोड हो चुका है, एंथ्रोपोलॉजी का पेपर वन अपलोड हो चुका है, तो अब बारी थी एंथ्रोपोलॉजी पेपर टू की। तो और बाकी के जो पेपर्स हैं वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो 2020 में ऑप्शनल जो जिनको लेना हो वो पेपर्स को देख करके उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा पेपर इजी होगा, कौन सा पेपर आपके लिए सुटेबल पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट सुटेबल पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में 2020 का भी पढ़ रहा है। जैसे ही 2020 का सारे पेपर्स पढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था 2021 PCS मेंस के लिए, वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। 25 जनवरी को पेपर हुआ था एंथ्रोपोलॉजी पेपर टू। पेपर वन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो चलिए पेपर टू देख लेते हैं। दो खंडों में 8 प्रश्न दिए गए होते हैं। 3 घंटे में पेपर होता है, 200 नंबर का होता है। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यम में दिया होता है। प्रत्येक खंड में कम से कम 2 प्रश्नों का चयन करना होता है। कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने निर्धारित है। सभी अंकों प्रश्नों के अंक समान हैं। तो पहला प्रश्न है, मध्य पाषाण संस्कृति की विशेषताएं बताइए और पुरापाषाण संस्कृति से यह किस प्रकार भिन्न है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। प्रभुत्व जातियां क्या हैं, प्रभुत्व जाति की विशेषताएं बताइए। जनजाति की परिभाषा लिखिए। भारतवर्ष की जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में नृविज्ञान के उद्भव व विकास में डॉक्टर SC दुबे के योगदान की चर्चा कीजिए। भारतीय जनजातियों की भाषाई व सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। भारतीय जनजातियों में निर्धनता व ऋणग्रस्तता की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जनजातियों की समस्याओं के उन्मूलन के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को बताइए। जनजातियों के मध्य असंतोष के कारणों का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातियों के लिए निर्मित नीति की व्याख्या कीजिए। जनजातीय व भारतीय समाज पर बौद्ध व जैन मतों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। वर्तमान जनजातियों में सामाजिक परिवर्तन की विवेचना कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जनजातियों में साक्षरता, जनजातियों व स्वास्थ्य व पोषण। अगला है, नृजातीय विविधताओं से आपका क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। और निम्नलिखित में अंतर कीजिए, वर्ण व जाति में, जाति व प्रजाति में, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में। कर्म के सिद्धांत के समाजशास्त्रीय महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके दोषों की भी विवेचना कीजिए। वर्ण व्यवस्था के द्वारा भारतीय समाज का विकेंद्रीकरण किया गया, इस कथन की पुष्टि कीजिए। भारतीय समाज में पुरुषार्थ के महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। जजमानी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए तथा इसकी कार्य प्रणाली को सोधारण प्रस्तुत कीजिए। जनजातियों की समस्याओं के निवारण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का निर्धारण कीजिए। जनजातियों व ग्रामीण विकास में नृविज्ञान की भूमिका की विवेचना कीजिए। 8वां प्रश्न है, संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए, यह आधुनिकीकरण से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप का वर्णन करते हुए यह बताइए कि ग्रामीण विकास में इसका क्या योगदान है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जनजाति, जाति निरंतरता, छदम जनजाति। तो ये था नृविज्ञान का पेपर टू, यानी एंथ्रोपोलॉजी पेपर टू 2020 का। ये मेंस ऑप्शनल पेपर था और 25 जनवरी को इसका पेपर हुआ था। धन्यवाद।